Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So students, today we are going to discuss a poem from class 9 Beehive book, that is poem number 1, The Road Not Taken, written by Robert Frost. So first of all, we'll discuss summary of this poem and then stanza-wise explanation. So let's start with the summary. Here is the summary of the poem, The Road Not Taken. The poet says that once he was walking down the road and reached a fork. Okay, so in this poem, poet is saying that once he was walking down the road. ठीक है, कि एक बार वो रोड पे वॉक कर रहे थे और आगे जाके उनको एक ऐसा रोड मिलता है जो कि फॉक की तरह होता है. मीन्स आगे जाके रोड टू रोड में डाइवर्ज हो जाता है. ओके, ही कुड वॉक ओवर वन ऑफ द पाथ ओनली, और वो सिर्फ एक ही पाथ पे जा सकते थे. ओके, ही टुक टाइम टू चूज द राइट पाथ. तो उन्होंने पहले रोड को देखा और थोड़ा सा टाइम लिया एक रोड को चूज करने के लिए. He inspected them to decide which was a better option and then choose the one which seemed less walked over. Okay, तो उन्होंने रोड पे देखा और कुछ टाइम लिया डिसाइड करने के लिए कि कौन से रोड पे उनको जाना है. ठीक है, तो फिर उन्होंने एक रोड चूज किया जो कि लेस वॉक था. ठीक है, जिसपे लोग कम चले थे. ओके, सो ही केप्ट द अदर वन फॉर द सम अदर डे, ऑल्दो ही न्यू दैट ही वुड नेवर गेट द चांस टू वॉक ओवर इट. ओके, तो दूसरे रास्ते को उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने सोचा कि फिर कभी जब उनको चांस मिलेगा तो वो दूसरे रास्ते पे जाएंगे. ओके, सो ही वुड गो फर्दर ऑन द चोजन पाथ एंड नॉट गेट अ चांस टू गो बैक ऑन इट. ओके, सो अपने चोजन रास्ते पे, जो रास्ता उन्होंने चूज किया था, उस रास्ते पे चले और दूसरे रास्ते पे आने के लिए उनके पास वापस उस रास्ते पे आने के लिए टाइम नहीं था. ओके, तो उनको कभी वो चांस नहीं मिल पाया कि वो दूसरे रास्ते पे आ सके. ओके, so as he walked on the chosen path, he realized that both the paths were similar. जैसे ही वो उस चूज किए हुए रास्ते पे चले तो उनको रियलाइज हुआ कि दोनों रास्ते एक जैसे ही थे. ओके, he felt that his future depended on the choice that he made. और उन्होंने सोचा, उन्होंने फील किया कि फ्यूचर डिपेंड करता है उसी रास्ते पे जिसको कि हम चूज करते हैं. ओके, so let's start stanza-wise explanation. Stanza number 1. Okay, two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. So here poet is saying that once I was going on a road. ठीक है, एक बार मैं एक रास्ते पे जा रहा था. ठीक है, और आगे जाके वो रास्ता एक येलो वुड पे डाइवर्स हो गया. ठीक है, मीन्स दो रास्तों में डाइवर्ट हो गया. ओके, येलो वुड मीन्स फॉरेस्ट, येलो फॉरेस्ट. ओके, a forest with decomposing leaves. ठीक है, तो यहाँ पे पोइट क्या बोलते हैं कि वो एक रास्ते पे जा रहे थे और आगे जाके रोड डाइवर्ज हो गया. ओके, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और सॉरी मैं उन दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता था. एंड वी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एक ट्रेवलर की तरह मैं उस रोड पे खड़ा हुआ. ठीक है, और लॉन्ग बड़ी देर तक उस रास्ते को देखता रहा जो कि डाइवर्ज हुआ था. ओके, आई लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. ठीक है, और मैं जब रुका और मैं नीचे देखता रहा, मीन्स जितना आगे मैं देख सकता था उतना आगे तक मैं उस रोड को देखता रहा. ठीक है, जब तक कि वो फॉरेस्ट में डाइवर्ज नहीं हो गया. मीन्स फॉरेस्ट में वो जब तक वो रास्ता दिखना बंद नहीं हो गया, उतनी दूर तक वो रास्ते को देख रहे थे जितना कि वो देख सकते थे. to where it went into the undergrowth. ठीक है, undergrowth means dense growth of the plants and bushes under the near the forest. okay, so poet तब तक देखते रहे जब तक कि वो प्लांट्स के बीच में और bushes के बीच में, फॉरेस्ट के बीच में जब रास्ता खत्म नहीं हो गया तब तक वो देखते रहे. okay, next stanza number 2. then he took the other just as fair and having perhaps a better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. okay, so fair means as good as the other one. okay, claim means better option, grassy unused, जिसको कि use नहीं किया गया था. okay, unwanted wear had not been used. okay, so here poet is saying then took the other way just as fair. तो पोइट ने दोनों रास्तों को देखा. ओके, और उन्होंने दूसरे रास्ते को चूज किया. ओके, जस्ट एज फेयर, जो कि थोड़ा सा फेयर दिख रहा था. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उन्होंने उस रास्ते को चुना जो कि अभी ज़्यादा यूज नहीं हुआ था, ओके, जो कि बेटर क्लेम मीन्स बेटर ऑप्शन लेने के लिए, ठीक है, उन्होंने बेटर ऑप्शन लिया जो कि रास्ता ज़्यादा यूज नहीं हुआ था बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड, ठीक है, उन्होंने एक ऐसा रास्ता लिया जो कि ग्रासी था एंड वांटेड वेयर मीन्स अनयूज्ड, ओके, दो एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, ठीक है, सो इन दिस लाइन पोइट इज सेइंग दैट, हालांकि दोनों ही रास्ते, पोइट को रियलाइज हुआ कि दोनों ही रास्ते सेम थे लेकिन पोइट को एक ही रास्ता लेना था, ओके, सो पोइट ने अदर वे लिया, दूसरे रास्ते को लिया, दूसरे रोड को लिया, ओके, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, और दोनों ही रास्ते पोइट को सेम दिखे, ओके, सो स्टैंजा नंबर 3, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओके, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ओके, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, ओके, so trodden means walked over, okay, so in this line poet is saying that and both the morning equally lay, okay, in leaves no had trodden black, okay, so poet is saying that कि उस morning जब वो उस road पे जा रहे थे, ठीक है, so उन्होंने एक ऐसा रास्ता लिया जहाँ पे, जिस रास्ते पे leaves थी, ठीक है, और उस रास्ते को, रास्ते के ऊपर कोई भी नहीं चला था, मीन्स किसी के चलने के फुटप्रिंट्स वहाँ पे नहीं थे, ठीक है, और कोई भी लीव पे चलने से वो ब्लैक नहीं हुई थी, ठीक है, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ओके, सो पोइट ने डिसाइड किया कि वो अनदर डे दूसरे रास्ते पे जाएंगे, ठीक है, सो दोनों रास्तों में, दोनों डाइवर्स रास्तों में पोइट सिर्फ एक ही रास्ते में जा सकता था, तो पोइट ने डिसाइड किया कि जो रास्ता बच गया है उसको अनदर डे, वो उसको उस पर जाएंगे, ओके, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड हैव अ कम बैक, ओके, सो पोइट उस रास्ते पे, जिसको पोइट ने चूज किया था, उस रास्ते पे आगे चलते गए, ठीक है, और पोइट को लगा कि अब वो वापस दूसरे रास्ते पे नहीं जा पाएंगे क्योंकि पोइट आगे बढ़ रहे थे, ओके, स्टैंजा नंबर 4, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, ओके, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस टू रोड डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय and that has made all the differences, okay, so sigh means deep breath, okay, hence here, yeah, fit in the future, okay, so in this line poet is saying about the roads, okay, diverse road, so poet is saying I shall be telling this with sigh, okay, so poet is saying कि मैं एक sigh के साथ इसको बोल रहा हूँ, ठीक है, कि मैं बहुत लंबी सांस लेके बोल रहा हूँ, means बहुत दुख के साथ बोल रहा हूँ, somewhere ages and ages hence, okay, two road diverge in a wood and I, कि two road diverge हुए थे wood में, ठीक है, लेकिन मैंने एक ही रास्ते को चुना, ठीक है, और उन्होंने एक रास्ते को छोड़ दिया और इसलिए उन्होंने सोचा कि वो दूसरे रास्ते को दूसरी बार ले लेंगे लेकिन वो फिर कभी वापस उस रास्ते पे नहीं आ पाए क्योंकि वो पहले रास्ते पे ही आगे आगे बढ़ते गए, ओके, एंड आई टुक वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और उन्होंने उस रास्ते को लिया जो कि लेस ट्रेवल था, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, ओके, और यही डिफरेंस था कि दोनों रास्ते सेम थे लेकिन वो दूसरे रास्ते को चूज नहीं कर पाए, ओके, सो मीन्स पोएट इज टेलिंग अबाउट दैट चूज द राइट पाथ इन योर लैंग्वेज इन योर लाइफ, ओके, जब आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहो तो स्ट्रिक्टली आपको एक राइट पाथ को चूज करना है, रॉन्ग पाथ को नहीं, ओके, So that's all for today. I hope you all have understood this poem very well. Okay. Thank you. See you soon in my next video. Till then, bye. Take care.